जेनाइटल वॉट्स। वॉट्स एक बहुत कॉमन वायरल इन्फेक्शन है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में हमसे सवाल पूछा है कि मैडम जेनाइटल वॉट्स क्या होते हैं, क्यों ये डेवलप होते हैं, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या इनका इलाज बेहतर है। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट आज आपको डिटेल में जेनाइटल वॉट्स के बारे में समझाऊंगी। तो देखिए, जेनाइटल वॉट्स जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये जेनाइटल एरिया में होता होगा। ये महिलाओं और पुरुषों में दोनों में पाया जाता है, परंतु महिलाओं के अंदर ये थोड़ी तकलीफें ज़्यादा देता है, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ज़्यादा रहते हैं। महिलाओं के अंदर ये प्राइवेट पार्ट्स के अंदर यानी कि वजाइना में, वल्वा में, सर्विक्स वगैरह में, योनि वाले हिस्से में पाया जाता है। ये जो वॉट्स होते हैं, जो इनका अलग अलग प्रकार का अपीयरेंस हो सकता है, यानी कि ये देखने में आपको दाने जैसे बिल्कुल छोटे छोटे फ्लैट स्ट्रक्चर जैसे भी दिखाई दे सकते हैं। ये गोभी की तरह उभरे हुए भी दिखाई दे सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे उभरे हुए स्ट्रक्चर्स के जैसे भी दिखाई दे सकते हैं। इनका साइज़ बहुत छोटा, जस्ट 1-2 मिलीमीटर से लेके कई सेंटीमीटर बड़ा भी हो सकता है। इट्स अ वेरिएबल स्ट्रक्चर। ये साइज़ में छोटे या बड़े हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं और उभरे हुए हो सकते हैं। यूजुअली एक प्रकार के सॉफ्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉमनली जो मिलते हैं, ये यूजुअली वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर की तरह मिलते हैं जो गोभी जैसे ऐसे लुक के होते हैं, रेज्ड होते हैं, अपने सरफेस एरिया से थोड़े उभरे हुए दिखाई देते हैं। जेनाइटल वॉट्स एक प्रकार के वायरल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। HPV वायरस जो होता है, जिसे हम हमारी भाषा में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, लो रिस्क स्ट्रेन्स जो HPV वायरस के होते हैं, उसके कारण जेनाइटल वॉट्स होते हैं। यह एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वन ऑफ द कॉमनेस्ट STI है। इसका होने का कारण सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन रहता है। तो HPV जो इन्फेक्शन है, इसके कारण ये जेनाइटल वॉट्स डेवलप होते हैं। ये आपको अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स दे सकते हैं, ये आपको दर्द दे सकते हैं। एरिया जहाँ पर जेनाइटल वॉट्स हैं वहाँ पे आपको इचिंग हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, खुजली आ सकती है, कभी कभी ब्लीडिंग भी ये दे सकते हैं। सो जेनाइटल वॉट्स का जो शेप स्ट्रक्चर है वो वेरी कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लैट से लेके उभरे हुए हो सकते हैं। ये कभी कभी सिंगल होते हैं, यानी कि सिर्फ एक वॉट हो ऐसा हो सकता है, और कभी कभी ये क्लस्टर्स में, यानी कि एक साथ कई ग्रुप ऑफ वॉट्स हो वैसा भी मिल सकता है। तो जेनाइटल वॉट्स जैसे कि मैंने आपको बताया वजाइना के अंदर हो सकता है, वल्वा में हो सकता है, एनल एरिया के आसपास यानी कि जो स्टूल पास करने वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हो सकता है, यूनिमार्क के अंदर भी हो सकता है और बाहर की तरफ भी नज़र आ सकता है। यूजुअली जो महिलाएं कंप्लेन करती हैं वह होते हैं इचिंग की, कि मैडम कुछ लग रहा है कि कुछ हो गया है, दाने से निकल आए हैं, और साथ में हमें बहुत खुजली होती है, जलन होती है। ये मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है। इसका डायग्नोसिस रिलेटिवली आसान होता है, देखकर ये क्लियर हो जाता है कि आपको जेनिटल वॉट्स हैं। जब भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट चेक करते हैं तो देख के इजीली मेकआउट कर सकते हैं कि आपको जेनिटल वॉट्स हुए हैं या नहीं हुए। ये कभी कभी लिप्स पे या थ्रोट पे या होठों के ऊपर भी पाए जा सकते हैं इस तरह के वॉट्स। ज़्यादा कॉमनली ये मिलते हैं 30 ईयर से छोटी एज ग्रुप में। जी हाँ, 30 साल से छोटी एज ग्रुप में ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। जो महिलाएं स्मोकिंग वगैरह करती हैं उनमें रिस्क थोड़ा हायर रहता है, जिनकी इम्यूनिटी का लेवल थोड़ा कम होता है उनमें भी इसका होने का रिस्क थोड़ा हाई रहता है। वे बच्चे जिनकी कि माँ को डिलीवरी के समय जेनिटल वॉट्स रहे हों, तो उनके अंदर भी ये ट्रांसमिट हो सकता है डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान। जेनिटल वॉट्स अगर मदर को है तो बच्चे को उसका HPV का ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, जो HPV वायरस है इसके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर सर्वाइकल कैंसर और वल्वल कैंसर रहता है। ऑल्दो उसका रिस्क ऐसा नहीं कि जिसको भी HPV इन्फेक्शन हो गया हर उस महिला को सर्वाइकल कैंसर या वल्वल कैंसर हो जाएगा, लेकिन हाँ 2-5% जितनी संभावना रहती है। तो अगर आपको वॉट्स हैं तो डेफिनेटली आपको पैप स्मियर हर साल अपना कराना चाहिए। पैप स्मियर हम वैसे भी रिकमेंड करते हैं कि रूटीनली महिलाओं को हर साल कराना चाहिए। अगर आपकी वॉट्स की हिस्ट्री है तो डेफिनेटली आपको के हर साल कराना ही कराना है। जो महिलाएं अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रखती हैं और अगर पार्टनर को वॉट्स हैं तो आपको भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि HPV वायरस का इन्फेक्शन ही इसका इकलौता कारण होता है, तो अगर हमें इसको प्रिवेंट करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हो ही ना, तो उसके लिए HPV वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं जो मार्केट के अंदर सर्वारेक्स या गार्डासिल के नाम से अवेलेबल होती है, जिसकी कि 3 डोजेज़ दी जाती हैं।
इस वैक्सीन को लेने के बाद इनके होने की जो संभावना होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, पर पूरी ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेन्स के ऊपर, यानी कि वायरस के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, कई स्ट्रेन्स होते हैं, तो कुछ स्ट्रेन्स के ऊपर तो ये वैक्सीन काम करती है लेकिन दूसरे स्ट्रेन्स के ऊपर ये काम नहीं करती। इसलिए वैक्सीन लगाने से हमें थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सकता है लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। और अगर हम चाहते हैं कि प्रिवेंशन रहे तो आप अपनी इम्यूनिटी लेवल पे फोकस कीजिए, खाने में हरी सब्जियां, फल ज़्यादा लीजिए, जंक फूड का इंटेक कम की साइड में लीजिए, अखरोट, बादाम, सीड्स वगैरह ज़्यादा लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहे और आपको वॉट्स होने की जो संभावना है वह कम की साइड में हो। और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो अगर आपको वॉट्स डेवलप भी हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कम की साइड में है तो वो ज़्यादा स्प्रेड हो सकते हैं, क्लस्टर्स में आ सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी फिर उसकी ज़रूरत आ सकती है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात आती है तो उसके लिए यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ एक सॉल्यूशंस होते हैं जो आपको दे सकते हैं, जो लोकल एप्लीकेशन के लिए उन वॉट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है जिनसे कि वो केमिकली हट जाते हैं उस एरिया से। ऑल्दो आजकल उससे ज़्यादा जो चीज़ प्रचलन में है वो है कॉटरी के द्वारा या लेज़र द्वारा या क्रायोथेरेपी द्वारा ये वॉट्स को हटा दिया जाता है अगर आपको ये ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कॉस्मेटिकली अच्छे नहीं लग रहे हैं या साइज़ के अंदर बड़े हैं, तो इसके द्वारा इन्हें कॉटरी, क्रायोथेरेपी या फिर लेज़र के द्वारा इनको हटा दिया जाता है। ये यूजुअली वॉट्स का ट्रीटमेंट रहता है। आई होप जेनिटल वॉट्स के बारे में आपके जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।